स्वामी, सूर्य नमस्कार को तो मैं नित्यदिन जाता हूं, पर मेरे जागने से पहले ही आप जाग जाती हैं। वो इसलिए स्वामी कि भोर होते ही सबसे पहले मैं आपका मुख देखूं। सूर्यदेव भी नहीं, सत्य तो ये है कि मेरी भोर आपका मुख देखकर ही होती है। आप बहुत धनवान है देवी, ईश्वर ने बड़ी उदारता से कार्य लेकर अपने कोष से सुंदरता और पातिव्रत धर्म आपको प्रदान किया है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है सब आपके लिए ही दिया है स्वामी। आप मेरे शरीर के भी स्वामी हैं और मेरे प्राणनाथ भी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इस समस्त क्षेत्र में ना आप जैसी कोई सुंदर नारी है, ना आप जैसी कोई पति सेविका। रात ढल रही है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। आपने चंद्रदेव, कितनी सुंदर नारी है अहल्या और कितनी प्रतिव्रता भी। जब से मैंने उसे देखा है मुझे किसी पल चैन नहीं, हर घड़ी उसकी सुंदर छवि मेरी आंखों में घूमती रहती है। इंद्रलोक की सुंदरतम अप्सरा भी सुंदरता में उसकी तुलना नहीं कर सकती। किंतु देवराज, आप चाहते क्या हैं? मैं उसे पाना चाहता हूं, उसकी सुंदरता पर अपने प्रेम की पुष्पांजलि चढ़ाना चाहता हूं, उसके यौवन का रसपान करना चाहता हूं। तो फिर जाइए उसके पास और कह दीजिए अपने मन की इच्छा, आप भी जान लेंगे कि वो क्या है। नहीं चंद्रदेव, नहीं, मैं जानता हूं वो क्या है। यदि मैं उसके पास पहुंच गया तो मुझे क्या थे वो क्या करेगी। तो आप क्या करेंगे, भूल जाइए उसे। उसे भूल पाना मेरे वश की बात नहीं है। तो क्या उसे पा लेना आपके वश में है? हां, यदि तुम मेरी सहायता करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुमने देखा है कि ऋषि गौतम तुम्हारे क्षितिज से हटते ही सूर्य देव के दर्शन को अपने आश्रम से निकलता है। देवराज, वो सब तो मैं देख चुका हूं, आपका उद्देश्य क्या है? तुम्हें कल अपने क्षितिज से हटने के निर्धारित समय से पहले कुछ समय के लिए आकाश से लुप्त होना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? जो मैं कह रहा हूं वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। मैं क्या करता हूं तुम स्वयं देख लोगे। मैं केवल यह चाहता हूं कि ऋषि गौतम तुम्हें आकाश में ना पाकर यह समझे कि भोर होने वाली है। और फिर हे देवराज, एक बार आप फिर सोच लीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो उचित भी है अथवा नहीं। चंद्रदेव, अहल्या की सुंदरता ने मुझे उचित अनुचित से बहुत दूर कर दिया है, तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। परंतु देवराज, यह हमारा आदेश है। जो आ गया। Thank you.
ये क्या, भोर हो गई और आज मेरी आंख नहीं खुल पाई? मुझे भी आश्चर्य है स्वामी, आज रात इतनी शीघ्र कैसे ढल गई। मैं अभी आती हूँ। स्वामी आप आज इतना शीघ्र लौट आए? क्या आप सूर्य नमस्कार के बिना ही लौट आए? हाँ। क्यों स्वामी, बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? सूर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुखचंद्र का ध्यान आ गया। मैं विचलित हो उठा। मेरे मन ने कहा कि यदि मैंने लौटकर आपके मुखचंद्र के दर्शन नहीं किए तो कदाचित सूर्यदेव भी मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी, यह आज आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मेरा संयम टूट गया है देवी। आपके स्मरण ने मुझे सब कुछ भुला दिया। आपकी सुंदरता, आपके यौवन ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे और व्याकुल ना कीजिए। अपने अधरों की मदिरा से मेरी प्यास बुझा दीजिए। मुझमें देवराज के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं था, किंतु मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। बहुत समय बीत गया है, अब मुझे लौटना होगा। त्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे ये क्या, चंद्रदेव? माता गंगा तो अभी तक सो रही है, रात्रि अभी शेष है, परंतु ये चंद्रदेव कहां लुप्त हो गए थे? अभी तो सूर्योदय में विलंब है,
मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए। वास्तविक रूप दिखा मुझे। तो ये तू है इंद्र? जघन्य पाप तूने किया है, जाओ मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था, तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। दूर हो जा मेरे सामने से, हो जा। नहीं नहीं स्वामी, इतनी कठोर दृष्टि से मुझे मत देखिए, मैं निर्दोष हूं। नहीं, इंद्र के जघन्य पाप में उसका सहयोग दिया है। वो आपका वेश धारण कर आया था, मैं समझी आप ही हैं। किंतु वो मैं नहीं था, अब तो ये तू जान चुकी है। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। इस एक क्षण ने तेरे सारे जीवन की सेवा पर पानी फेर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा? कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जाओ मैं तुझे शाप देता हूं, इसी क्षण तू पत्थर बन जा। हे राम, औरों को तो प्रतीक्षा पत्थर बना देती है, मैं तो पत्थर बनकर भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। औरों के नेत्र तो किसी की राह तकते तकते पथरा जाते हैं, परंतु मैं तो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। अब तो आ जाओ हे राम, मुझ दुखियारी अबला के दुख का अंत कर दो। है वायु का ये झोंका जो मुझ तक तुम्हारे कमल चरणों की धूल की सुगंध लाया है। तुम आ रहे हो, तुम अवश्य आ रहे हो। मुझ दुखियारी के दिन फिरने वाले, तुम मेरे कल्याण के लिए मेरे समीप आ रहे हो। हे राम, हे राम। रथ रोको सारथी। आज हम यहीं विश्राम करेंगे। गुरुदेव, इस उजड़े आश्रम में
क्या यह स्थान विश्राम के लिए उचित रहेगा? यह सबसे उत्तम स्थान है शीश। हम यहां नहीं आए, यह उजड़ा हुआ आश्रम स्वयं हमें यहां खींच लाया है। हे राम, 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 हे राम। ये मुझे कौन पुकार रहा है गुरुदेव? तुम्हें ये पुकार रही है शिष्य। और ना जाने कब से पुकार रहे। किंतु ये तो पाषाण की प्रतिमा है गुरुदेव। हाँ है। इस प्रतिमा को अपने चरण से स्पर्श कर दो शिष्य। जी? इस पत्थर की मूर्ति को अपने चरणों से छू। गुरुदेव, गुरु के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाना ना तो शिष्य को शोभा देता है और ना ही उसका अधिकार है। किंतु हे गुरुदेव, नारी पत्थर की भी हो तब भी आदर सम्मान के योग्य होती है। उसे चरणों से छूना महापाप है। मुझे नारी के इस अनादर का साहस नहीं हो रहा है गुरुदेव। नारी के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना जानकर मैं गदगद हो गया शिष्य। मुझे ऐसे शिष्य पर गर्व है। मैं स्वयं किसी को नारी का अनादर करने की अनुमति नहीं दे सकता। परंतु ये एक विचित्र विडंबना है कि इस नारी का कल्याण इसी में निहित है। इसे अपने पैरों से छूकर तुम इसका अनादर नहीं, इसका उद्धार करोगे पुत्र। कौन है ये देवी? ये दुखियारी अबला ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। निरपराध होकर भी न जाने कब से पत्थर बन जाने का दंड भोग रही है। अब जब तक तुम इसे अपने चरणों से स्पर्श नहीं करोगे, ये यूं ही पाषाण की मूर्ति बनी रहेगी। इसके कल्याण के लिए तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा शिष्य। जो आज्ञा। देवी, मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने की धृष्टता करने जा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। अचरज भयो जगत में भारी, शाप मुक्त भई अबला नारी। पावन चरण राम को लागा, ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। हे दुखी जनों का दुख मिटाने वाले राम, हे संकट के मारों का संकट मिटाने वाले राम, हे दुखियारों को तारने वाले राम, हे पापियों का उद्धार करने वाले राम, इस अबला को शाप से मुक्ति दिलाकर आपने जो इस पर उपकार किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं देवी,
आपके साथ घोर अन्याय हुआ था। मुझे अपार हर्ष है कि अब आपको न्याय मिल गया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अब तक महर्षि गौतम को भी अपनी भूल का आभास हो चुका होगा, किंतु वो भी विवश थे देवी, क्योंकि नभ से टूटा हुआ तारा, धनुष से निकला हुआ बाण एवं मुख से निकला हुआ शाप लौटाया नहीं जा सकता, केवल उसका दंड भोगा जा सकता है। पश्चाताप की अग्नि में जलना भी तो दंड ही है देवी। महर्षि अब तक उस अग्नि में जल चुके होंगे। गुरुवर, यदि इस उजाड़ स्थान पर मुझे लाने का यही उद्देश्य था तो वो पूरा हुआ। अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ,